हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरबी एडिटिव क्लास में ना मेरा नाम राकेश और आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं ये क्वेश्चन क्लास टेंथ की मैथ की बुक से एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव है तो आओ इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको सही से ये क्वेश्चन समझ में आए चलिए शुरू करते हैं तो पर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एन कामा माइनस फाइव एंड बी माइनस फोर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है एक तो वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें लाइन डिवाइड होगी और दूसरा जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट। तो सपोज कि ये हमारा लाइन है ए बी। पर ये वाला जो आ, रेशियो है वो के हो जाएगा और ये वाला रेशियो वन हो जाएगा ये पॉइंट जो है सी है तो अभी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो वन का मा माइनस फाइव है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस फोर का मा फाइव है और सी का जो कोऑर्डिनेट होगा देखो जब बोलता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके और जब बोलता है कि जो जो पॉइंट है 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 वो वो एक्सिस एक्सिस पे लाई कर रहा या लाइन डिवाइड डिवाइड हो हो रही से हो रही से तो वहां पर एक्स जीरो हो जाएगा यानी कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस एक्सिस को बोला है उसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस बोला है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो यहां पर हो जाएगा एक्स कामा जीरो अब इतनी चीजें अगर हमें पता चल गई तो फिर हम यहां पे राइट करेंगे सॉल्यूशन फाइव लेट ए वन का माइनस फाइव एंड बी माइनस फोर का फाइव आर टू पॉइंट्स आफ लाइन सेगमेंट ए बी which divide by a point c x comma 0 on x axis into k ratio 1 then by using section formula तो यहाँ पर जब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या देखो के रेशियो वन के केस में जो सेक्शन फार्मूला होता है वो एक्स कामा वाई इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन ओवर के प्लस वन के वाई टू प्लस वाई वन ओवर के प्लस वन ओके व्हेन वी सबिंग द वैल्यू वी फाइंड एक्स कामा जीरो इज इक्वल टू

तो हम क्या करेंगे जब ऑन कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट वी हैव देखो जब हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो के इक्वल हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू फाइव के ये वाला और ये प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा ओवर के प्लस वन अब ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो जीरो के साथ इनटू में होगा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा जाएगा तो ये जीरो इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव अब माइनस फाइव को उधर भेजेंगे तो प्लस फाइव हो जाएगा यानी कि फाइव के इज इक्वल टू फाइव इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू फाइव ओवर फाइव एंड द आंसर ऑफ के इज इक्वल टू वन तो इतना आप राइट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं तो यहां तक हमने देखा था कि जब हमने जीरो को यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर किया था तो के की वैल्यू बन आया था अब हम एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल सके अगेन कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट वी हैव तो देखो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है इसके कंपेरिजन में ये आएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू देखो के इंटू माइनस फोर तो प्लस इंटू माइनस माइनस सो हियर माइनस फोर के प्लस वन ओवर के प्लस वन बट वी नो द वैल्यू ऑफ के एंड वी पुट इट हियर वी फाइंड माइनस फोर इंटू वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन एंड यक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस वन ओवर टू सो फाइनली माइनस फोर प्लस वन बिकम माइनस थ्री ओवर टू तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सो फाइनली आंसर राइट करेंगे दस रेशियोज इज वन रेशियो वन एंड कोडिनेट इज माइनस थ्री बाई टू कामा जीरो सो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू क्लास